अपना जीवन दान हो, अपना जीवन दान हो, अपना जीवन दान हो। पंचकुला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चतुर्थ दिवस कथा का शुभारंभ सोम प्रकाश राज्य मंत्री भारत सरकार एसके मित्तल चेयरमैन हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने प्रभु की पावन ज्योति को प्रज्वलित करके किया। कथा में महामहिम माम्य श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साध्वी कालंदी भारती जी ने चतुर्थ दिवस का शुभारंभ किया, जिसे नंद उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी नर नारी और बच्चों ने खूब आनंद लिया। नंद उत्सव की छटा अद्भुत थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा पंडाल ही गोकुल बन गया हो, एवं सभी नर नारी गोकुलवासी। केवल ग्वाल बालों के रूप में सजे बच्चे ही नहीं, बल्कि सभी आए हुए भक्तों ने कृष्ण जन्म के अवसर पर खूब माखन मिश्री का प्रसाद पाया। अष्टमी की मध्य रात्रि में कंस के कारागार में हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। उसी समय हमारे प्रभु ने चतुर्भुज रूप को समेटा और नन्हे से शिशु बनकर वसुदेव जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। तो बोलिए बाल कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्म के अवसर पर इस प्रसंग में छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों का निरूपण करते हुए साध्वी जी ने बताया, जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, अधर्म, अत्याचार, अन्याय, अनैतिकता बढ़ती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए करुणा निधान ईश्वर अवतार धारण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गबरू टीवी न्यूज़।